नमस्कार दोस्तों, मैं गुरप्रीत स्वागत करता हूं आपका हमारी आज के इस वीडियो में। जो भी भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के नई नई मशीनरी की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं हमारे इस चैनल पे। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ महिंद्रा का नोवो 755 DI। ट्रैक्टर जो है कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा सुंदर डिज़ाइन किया है, बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन ट्रैक्टर का मुझे लगा। जो भी खेती के लिए हमें मशीनरी चलानी है सब के लिए ये ट्रैक्टर परफेक्ट रहेगा। किसी भी तरह की मशीनरी आप अपने खेत के लिए चला सकते हैं, और जो भी ट्रैक्टर पे हमें चाहिए होता है वो कंपनी ने प्री इंस्टॉल्ड सब कुछ हमें रेडी करके दिया है। फ्रंट वेट से लेकर एंड तक कैनोपी वगैरह और जो भी हमें एक्सेसरी चाहिए वो कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड इसमें आ रही है। तो मेनली हम बात करें फ्रंट से, फ्रंट पे जो एक्सल लगा हुआ है बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सल 4-wheel ड्राइव वाला इसमें लगाया गया है कंपनी ने। लोडर डोजर हर तरह के इम्प्लीमेंट हम इसमें लगा सकते हैं, होल दिए गए हैं कंपनी की तरफ से ही बॉडी में। तो जो भी आप इस पे अटैचमेंट लगाना चाहते हो वो बहुत बड़ी आसानी से आप इसे लगा सकते हो। जो पावर स्टेयरिंग है वो डबल एक्टिंग है ताकि हमारे टायरों की जो घिसावट है वो प्रॉपरली बराबर होती रहे। आगे बात करते हैं इंजन की। फ्रंट वाले टायरों की मैं बात करूं 12.4 24 के टायर इसमें आते हैं। जो फेंडर हैं टायर पे लगाए हुए तो वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए कि जब हम ट्रैक्टर को इस तरफ टिल्ट करना है तो ये फेंडर अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा, और जब अपने दूसरी तरफ टिल्ट करना है ट्रैक्टर को तो ये साथ में मूव होगा। सेफ्टी का बड़ा ध्यान इसमें रखा गया है फेंडर का। और आगे हम बात करें इसके इंजन की। इंजन इसमें हमें 74 HP का इंजन मिला है, 74 HP का, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी टॉर्क हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसमें हमें 305 Nm की जो मैक्सिमम पीक टॉर्क है वो जनरेट होती है। खिंचाई के लिए ये ट्रैक्टर बड़ा दमदार रहेगा। SFC की बात करें तो इसमें हमें 272 kg की SFC पर किलोवाट पावर के हिसाब से ये ट्रैक्टर के इंजन में मिल रही है, जो कि फ्यूल कंजप्शन में बहुत अच्छे तरीके से हम इसे मेंटेन रखेंगे कि हमारा जो ट्रैक्टर है हमारा खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कम खर्चे में हमें काम करके देगा। तो फ्यूल की जो कंजप्शन है वो बहुत ठीक रहने वाली है, क्योंकि इसकी SFC वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा कम है दूसरों के मुकाबले। 3822 cc का इंजन हमें इसमें मिल रहा है। और आगे हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो हमें इसे पार्शली साइंक्रोमेस जो गेयर बॉक्स हमें इसमें मिल रहा है, जो कि कांस्टेंट मेस और साइंक्रोमेस गेयर का कॉम्बिनेशन है। मेन लीवर पे हमें इसमें 5 gears मिल रहे हैं, हाई लो मीडियम मिल रहा है, और उसके अलावा हमें चेंजर गेयर मिल रहा है। तो हम बात करें कि ये 15+15 में हमें मिल रहा है, 15 ही जो है रिवर्स है और 15 ही फॉरवर्ड गेयर हमें इसमें मिल रहे हैं। और उसके अलावा इसकी जो PTO के हमें स्टैंडर्ड PTO के RPM पूरे करके हम अगर इस ट्रैक्टर को चलाएंगे तो ये हमें जो कम से कम स्पीड है, जैसे सुपर सीडर के लिए हम आइडियल बोले तो 1.8 km की जो रफ्तार देगा, जो कि स्लो जो इम्प्लीमेंट होते हैं हमें चलाने जिस पे स्लो ट्रैक्टर चाहिए हमें, तो उस पे ये बड़ा फिट बैठेगा। PTO में हमें स्टैंडर्ड और इकोनॉमिकल PTO मिल रही है, और दोनों ही मूड में हम इसे इस लीवर की सहायता से फॉरवर्ड और रिवर्स PTO चला सकते हैं। और PTO के लिए एंगेज और डिसंगेज के लिए हमें जो लीवर है वो ये एक्स्ट्रा अलग से एक क्लच है जो दिया गया है। तो आगे हम बात करें इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की, तो 2600 kg की हमें लिफ्टिंग कैपेसिटी इसमें मिल रही है। जो टायर हैं हमें 18.4 के बड़े टायर मिल रहे हैं। PTO की अगर हम HP की बात करें तो हमें इसमें 66 HP की जो PTO पावर ट्रैक्टर दे रहा है, बहुत ज़्यादा PTO हमें पावर मिल रही है। ट्रैक्टर में हमें डीजी सेंस टेक्नोलॉजी मिल रही है। जो भी डिटेल्स आप अपने फ़ोन से ट्रैक्टर के बारे में देखना चाहते हो, अगर आप खेत में हो या कहीं पे और हो, आप कहीं से भी बैठकर ट्रैक्टर की पूरी डिटेल आप देख सकते हो कि ट्रैक्टर कितना चला है, आज कहाँ पे चला है, कितना टैंक में फ्यूल है या जो भी है। अगर आपका ट्रैक्टर
कोई ड्राइवर हो जाओ, कोई और ऑपरेट कर रहा है, तो आप पूरी डिटेल्स अपने ट्रैक्टर की इससे देख सकते हो। जहाँ पे नीचे दो हमें लीवर मिले, एक तो दोनों टायर्स को बराबर घुमाने के लिए एक लीवर मिल रहा है, और दूसरा फोर व्हील को एंगेज और डिसंगेज करने के लिए। तो इस पे हमें एक एंटी स्लिपरी मैप मैट है जो वो मिल रहा है, तो इस पे अब गीले में भी स्लिप नहीं करेगा आपका पैर इसमें, और नीचे पेंट की जो क्वालिटी है वो भी आपकी बराबर रहेगी, ताकि किसी भी तरह की स्क्रैच वगैरह मैट प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं आएंगे। और खुला डुला प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको सभी तरह की जानकारी ट्रैक्टर के बारे में रहेगी, अपना फ्यूल जो भी जितना इसमें बचा है उसकी जानकारी पूरे का पूरा आपका कोई जो। और इसकी की के बारे में हम बात करें तो इसमें रिमोट वाली की दी गई है लाइट दिखाने के लिए, पार्किंग का जो भी देखो इस की से, आप की को अगर हम प्रेस करेंगे तो ऐसे जे चलता है, इससे हमारे जे लाइट चले, इस बटन से जो लाइट सारे ऑन हो गए। तो एक रिमोट वाली की इसमें हमें मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूटर और लिफ्ट के लिए अलग अलग पंप हमें मिल रहे हैं। पावर स्टीयरिंग के लिए एक पंप अलग हमें इसमें मिल रहा है। बैटरी बॉक्स नीचे दिया गया है, और जो फोर व्हील ड्राइव वाली शाफ्ट है उसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है, उस पर किसी भी तरह का कुछ लिपटने का कोई ख़तरा नहीं है। एक्सल करेरो का है, करेरो ड्राइव टैक, करेरो का बहुत ही ज़्यादा हैवी एक्सल फ्रंट पे इसमें कंपनी ने दिया है। तो क्वालिटी वाइज किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ महिंद्रा ने नहीं किया है, और डिज़ाइन के मामले में तो महिंद्रा भी मैं कहूँगा कि सबको लीड कर रही है, चाहे गाड़ियों की बात हो चाहे ट्रैक्टर की बात हो। ट्रैक्टर के बारे में कोई जानकारी इस वीडियो में अगर मिस हो गई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट में आपको उसके रिलेटेड जानकारी जो मिल जाएगी। और अगर हम बात करें नोवो सीरीज़ की, तो नोवो सीरीज़ में हमें 605, 655, 605 ही एसी कैबर में, और जे 755 DI, कई मॉडल इस नोवो सीरीज़ में आ रहे हैं। और नोवो सीरीज़ है वो स्पेशली टेक्नोलॉजी को हाईलाइट करके डिज़ाइन की गई है, तो बहुत ही अच्छे ट्रैक्टर हमें इस सीरीज़ में मिल रहे हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर कर देना, वरना डिसलाइक का बटन है वो आप दबा सकते हो। और आगे के वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के नई नई चीज़ों के वीडियो खेती के रिलेटेड जो होते हैं वो सभी हमारे चैनल पे आते रहते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं जल्दी अगली किसी वीडियो में।